बिहार के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुई थी। मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं थोड़ा डिप्रेस रहने लग गई थी। मुझे समझ नहीं था कि मुझे करियर में क्या करना है। 1.5 साल के पीरियड में मैंने 3 यूनिवर्सिटीज में फीस दे के ड्रॉप आउट मारा है। घर वाले बिल्कुल खत्म हो चुके थे, देवर लाइक कि अब कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना। यहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं हमेशा से कुछ अपना करना चाहती थी। हमारे पास करंटली 5 वेरिएंट्स ऑफ सोप्स हैं, स्किन रिलेटेड लग्जरी सोप जो कि हमने इंडियन स्किन टाइप से बनाया। जो मार्केट 0 पे थी वो मार्केट इंडिया में अचानक से बूमिंग पे आ गई। राइट नाउ डोंकी मिल्क इज ट्रेंडिंग, लोग डोंकी फार्म्स ओपन कर रहे थे। करंटली वी हैव 1,20,000 डोंकीज ओनली। बचाया ना गया, नेक्स्ट 5 ईयर में डोंकी 0 हो जाएगा। हाय, मेरा नाम पूजा कॉल है और मैं हूँ फाउंडर ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ की। ऑर्गेनिको इंडिया का बहुत ही यूनिक स्टार्टअप है जो कि डोंकी मिल्क से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। साथ ही साथ इसमें एक सोशल एस्पेक्ट जुड़ी हुई है जो मार्जिनलाइज्ड डोंकी ओनर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। हम दिल्ली NCR में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ देश भर में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं डोंकी के गिरते हुए पॉपुलेशन के बारे में। मैं एक मीडिया की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिहार के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुई थी एंड उसके बाद मैं भोपाल मूव हो गई थी। आधी टाइम मैंने भोपाल में रहा है और आधा मैंने दिल्ली में काटा है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है एंड 12th पास होने के बाद एक्चुअली 11th में आई रिमेम्बर कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कल्पना चावला की एंड उस दौरान मुझे एक मोटिवेशन आया था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है एंड उसी वजह से मैंने 11th में साइंस परस्यू किया एंड सेकेंड सेमेस्टर आते आते रियलाइज़ कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन देना नहीं चाह रही थी, बट जैसे तैसे दयाल सिंह कॉलेज के इवनिंग में मुझे एडमिशन मिल गया वुमेन कोटा पे। मैंने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, बिल्कुल एमलेस क्लूलेस एग्जैक्टली मुझे लाइफ में क्या करना है। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल मुझे समझ नहीं था कि मुझे करियर में क्या करना है। सेकेंड सेमेस्टर था, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर कॉलेज में एक NGO आई थी एंड उसने मुझे वॉलेंटियर करने का मौका दिया। वुमेन एम्पावरमेंट में वो NGO काम कर रही थी, उसने मुझे वॉलेंटियर करने के लिए बोला एंड मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी ज़िंदगी का मैं स्टेज पे खड़ी थी और मुझे वो उस दिन जो एंकर थी उस शो की वो नहीं आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप होस्ट करें। बहुत डरावना सीन था मेरे लिए बिकॉज सामने 100-200 लोग बैठे हुए थे, स्टेज पे मैं थी और मुझे उस पूरे अवार्ड शो को होस्ट करना था। NGO के वॉलेंट्री ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कीड़ा घुसा दिया था कि मुझे कुछ करना है। जैसे तैसे मास्टर्स बैचलर्स भी कंप्लीट किया, 58% से मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। उस NGO के इंटर्नशिप से मुझे लगा कि मुझे सोशल वर्क करना है और मैंने MSW में एडमिशन लिया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरा कॉन्फिडेंस सब 0 था। वहाँ पे जाके पहले दिन ही मुझे पैनिक अटैक आ गया था। फी देने के बाद, सारे हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद सब कुछ हो गया था, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और विद इन 1 हफ्ते के अंदर मैं भाग के वापस दिल्ली आ गई। बट फिर भी हिम्मत आया, मैंने उनको बोला कि एक चांस मुझे और दिया जाए एंड देन उसी साल मणिपाल यूनिवर्सिटी उदयपुर में, वहाँ का भी एडमिशन फॉर्म निकला था MSW के लिए, वहाँ पे अप्लाई किया एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे सेम हुआ पैनिक अटैक एंड मैं वहाँ से भी भाग के आ गई। उस दौरान मुझे वो बोला गया कि क्यों ना कि आप दिल्ली के ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, यहाँ ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मुझे एडमिशन दिलाया गया एंड कुछ वीक्स में वहाँ गई कॉलेज MSW के लिए, मास्टर इन सोशल वर्क में गई एंड मुझे पसंद नहीं आया जो मैं काम कर रही थी एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे क्विट करना है। 1.5 साल के पीरियड में मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस दे के ड्रॉप आउट मारा एंड घर वाले बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, देवर लाइक कि अब कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना, कुछ सालों में इसको पढ़ाओ, ओपन से करवा दो एंड शादी कर देंगे, हटा देंगे।
पहली बार जो मुझे आई थिंक लास्ट 4 ईयर में खुशी हुई थी, एक पॉलिनेट एनर्जी करके एनजीओ आई थी ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में काम करने के लिए. जब मैं उस पॉलिनेट के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, फेलोशिप अपना, तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे वेब सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. क्वारा करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने आंसर्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने वर्ड पढ़ा स्टार्टअप फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. फाइनली टेस्ट का एक फॉर्म निकला, उसी दौरान टीवीएफ पिक्चर्स आया था, पिक्चर्स करके एक शो आया था, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था. एंड वो रात में ऐसे बैठे बैठे मैंने उस टीवीएफ पिक्चर्स को देखा, जिंदगी में पहली बार एंटरप्रेन्योर नाम का वर्ड यूज सुना था, जो उस सीरियल से मैंने सुना था. टेस्ट का जब फॉर्म आया था, मैं सब्जेक्ट देख रही थी, आई वॉज प्लानिंग टू अप्लाई अगेन फॉर मास्टर इन सोशल वर्क, बट मुझे टेस्ट में एक सब्जेक्ट दिखा, मास्टर इन सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड मुझे लगा अरे ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने टीवी में देखा था, मुझे यही करना है. मैंने सिर्फ एक कोर्स के लिए उस साल अप्लाई किया एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये तो नहीं लेगी, टेस्ट मुझे नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती. एंड लकीली मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया टेस्ट मुंबई, एंड मैंने जाके इंटरव्यू दिया. दे रियली लाइक्ड कि जो मैंने काम किया फील्ड वर्क में, जो मैंने फेलोशिप किया, जो मैंने एनजीओज़ के साथ काम किया, बच्चों को पढ़ाया, प्रोस्टिट्यूशन सेक्स वर्कर्स के साथ मैंने काम किया, तो उनको बहुत मज़ा आया वो सुनकर. एंड दे ऑफर्ड मी अ प्लेस टेस्ट में, तुलजापुर कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में मुझे दिया एक ऑफर. टेस्ट में मुझे याद है कि सेकेंड सेमेस्टर में एक कोर्स होता है हमारा पायलट प्रोजेक्ट का, उसमें हर एक स्टूडेंट को एक पायलट प्रोजेक्ट रन करना होता है 3 महीने का टेस्टिंग बिजनेस. यहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि डिप्रेसिंग भी है, साथ ही साथ वेरी बहुत यूनिक भी है. अप्स एंड डाउन्स बहुत देखिए, रोलर कोस्टर जर्नी स्टार्ट है मेरी, अभी भी जो चल रही है. मैं हमेशा से कुछ अपना करना चाहती थी एंड फाइनली जब वो मुझे मिला एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को रन करने का, मैंने उस बिजनेस को एक डिसीजन लिया कि कुछ डिफरेंट करना है. एंड आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई ब्रदर कि डेयरी सेक्टर में कुछ हो सकता है क्या, डेयरी में इनोवेशन मैं ढूंढ रही थी, बेसिकली कुछ नया कर सकते हैं. एक्सीडेंटली उनको और मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि डोंकी मिल्क बेच रहा था. स्विट्जरलैंड में एक औरत थी जो डोंकी मिल्क बच्चों को पिला रही थी, एंड उन बच्चों को जिनको गाय और भैंस के दूध से एलर्जिक था और जो लोग अस्थमेटिक पेशेंट थे. नेक्स्ट डे मैं क्लास में गई, मैंने बस खड़े होके सबके सामने कहा कि आई वॉन्ट टू मिल्क डोंकी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, एंड everyone क्लास के अंदर everyone was laughing. उनको ये लगा पागल हो गई है. बट कहते हैं ना कि आप जब कुछ ठान लो तो चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाती हैं, और वही मेरे साथ हुआ. तो मैं बस से सोलापुर जा रही थी किसी मूवी को देखने के लिए, उसी दौरान कुछ लोग मुझे गधे लेके जाते हुए दिखे रोड पे, बीच में खेत वेत पड़ते हैं वहाँ पे. मैं वहाँ पे गई, लोगों से बात किया, जब मैंने कहा कि हम लोग डोंकी पालने वाले को ढूंढ रहे हैं और हम डोंकी मिल्क निकालना चाहते, किसी ने मुझे कम्युनिटी में एक्सेप्ट भी नहीं किया बिकॉज एक लैंग्वेज बैरियर भी था, मराठी वो बोलते थे, मुझे आती नहीं थी, थोड़ा डिफिकल्ट था ऑब्वियसली. वो मैंने उनको ये बताया कि हम लोग इसको आपको कॉस्टिंग पे खरीदेंगे, विल पे यू अगर आप मिल्क देंगे. तो मैंने उनको बताया कि 2000 रुपये लीटर हम आपसे दूध लेंगे, आप हमें दूध बेचिए. वो चीज़ उनको चमकी एंड 14 लोग रेडी हो गए मुझे दूध देने के लिए वहाँ पे. मैंने ये सोचा था कि डोंकी का दूध मार्केट में डायरेक्टली बेचूंगी, एंड जब इंटर्नशिप किया मैंने उसके पहले, लॉन्च करने के पहले, आई रियलाइज कि टेट्रा पैक पैकेजिंग एवरीथिंग विल कॉस्ट अस. और जब दूध बेचने वाला प्लान फ्लॉप हुआ तो आई डिसाइडेड क्यों ना, अगर एक्सटर्नली लोग पी नहीं सकते, सॉरी इंटरनल यूज़ के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते, वाई नॉट आस्क पीपल कि आप पहले एक्सटर्नली उसको यूज़ करें. तो मैंने उस दूध को परचेज किया लोगों से एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको सोप में कन्वर्ट करूँगी. I started experimenting अपने रेसिपीज के साथ डोंकी मिल्क लाके कि क्या हिट एंड ट्राई कर सकते हैं हम लोग. बहुत सारे फ्लॉप ट्रायल के बाद फाइनली एक ऐसा रेसिपी डेवलप किया जो मेरे स्किन पे सुटेबल था, एंड देन मैंने टेस्टिंग के लिए भेजा उसको कि पीएच क्या है, एसिडिक क्या है, क्या ये हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, अगर मेरे जैसे स्किन को सूट कर सकते हैं, और डेफिनेटली और भी सेंसिटिव स्किन्स हैं. एंड वो जो भी टेस्टिंग थे, टेस्टिंग बहुत अच्छे आए, एंड देन आई डिसाइडेड ठीक है सोप बन गया है, लेट स्टार्ट सेलिंग. पायलट प्रोजेक्ट कर रहे थे बेसिकली हम लोग सेमेस्टर पास होने के लिए. सोलापुर ऐसी जगह है 2-3 tier सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ में ऑल्दो आती है, बट डोंकी मिल्क को बेचना वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. लोग एक्सेप्टेंस लेके डेफिनेटली नहीं आते, उनको लगता पागल हो गई क्या बेच रही है.
ट्रेन की टिकट कराई, उस टाइम दिल्ली आई मैं, 200 साबुन बनाए थे, 200 साबुन को पैक करके मैं दिल्ली लेकर के आई एंड उसको सेल करना स्टार्ट किया। सेलिंग हमने सोशल मीडिया के थ्रू किया, एवरी डे आई यूज टू पोस्ट समथिंग एंड उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ कस्टमर्स, एक इंटरनेशनल, 2-3 इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आए हमको फेसबुक के थ्रू ही। पायलट वॉज ओके, जो कॉलेज का प्रोजेक्ट था वी वर एबल टू सेल वो 175 सोप। घर वालों ने कहा ओके इफ यू वॉन्ट कि कंटिन्यू करना स्टार्टअप कर लो कंटिन्यू, बट सोलापुर जाने नहीं देंगे, दिल्ली में मुझे रहे हुए 20 साल हो गए, मैंने आज तक एक गधा रोड पे नहीं देखा, अब मैं गधियाँ कहाँ ढूंढने दिल्ली में जाती, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। बट कनेक्टिंग डॉट नाम की एक चीज़ होती है, एक बंदा था ये दासना में, वो रेडी हुआ मुझे दूध सेल करने के लिए डोंकी मिल्क, मैंने मिल्क लेना स्टार्ट किया। उसी दौरान कुछ लोगों से भी मैं रिकनेक्ट हो रही थी फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। दयाल सिंह में एक फ्रेंड हुआ करता था उस टाइम, उससे मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पे 6-7 साल के बाद। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे ऑफर किया, चल मैं तेरा वेबसाइट डिजाइन कर देता हूँ, आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, जब कुछ होगा तो बता देना, तब मुझे पे कर देना। पहला वॉलंटियर सपोर्ट मुझे वहां से मिला, मैं डोंकी मिल्क भी इकट्ठा करके ला रही थी। उसी दौरान मेरे फ्रेंड राहुल ने, उसने वेबसाइट भी डिजाइन कर दिया था, वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे नहीं था हमारे, बस डिजाइन कर दिया था उस टाइम तक। पेटीएम के थ्रू हम लोग पेमेंट रिसीव किया करते थे एंड इतना ज्यादा कुछ सेल था नहीं, बस धीरे धीरे हम लोग अपना स्टोरी चला रहे थे। फेब्रुअरी में हम लोगों ने वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल होता है चंडीगढ़, वहां पे पार्टिसिपेट किया था डोंकी मिल्क लेके। दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल था डोंकी मिल्क के ऊपर, हमारे ऊपर, एंड नेक्स्ट डे हम लोग वायरल हो गए। हम लोग सब जगह थे, पाकिस्तान के नेशनल डेली न्यूज़ के फ्रंट पेज पे हम लोग थे, चाइना, जापान, हमारे इंडिया के न्यूज़पेपर, रेडियो मिर्ची, कहीं कहीं हर जगह से मुझे कॉल आ रहा था। हम सब जगह, आउटलुक से लेके बिजनेस लाइन टू इंडिया टुडे, एवरीवन फ्रंट पे हम लोग थे, हमारी स्टोरी थी एंड ये हमारा सबसे बड़ा यू कैन से ब्रेक था हमारी लाइफ का। और उसी मंथ में प्रिंसेस डायना अवार्ड है यूके गवर्नमेंट का, उसके लिए भी हमें नॉमिनेट किया गया, हम वहाँ से भी अवार्ड लेके आए इंडिया के लिए इनोवेशन में, जो इनोवेशन हम लोगों ने डोंकी फार्मिंग से क्रिएट किया था, एक इम्पैक्ट क्रिएट करके। एंड 2020 वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड लकी फॉर अस, बहुत सारे अवार्ड्स हम लोगों ने ग्रैब किए, 17+ रिकॉग्नाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल हम लोगों को मिला, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। उसी दौरान हम लोगों की जो इम्पैक्ट थी, इम्पैक्ट की स्टोरी फेमस होने लग गई कि कैसे एक अनटैप्ड रिसोर्स जो डोंकी मिल्क है, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो सोने की चिड़ियाँ साबित हो रही है बहुत सारे मार्जिनलाइज कैटल फार्मर्स के लिए। साथ ही साथ आज ऑर्गेनिक को पैन इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट में ला रही है। जो टीम एक से स्टार्ट हुई थी वो आज 5 लोगों की, 5 यंगस्टर्स की टीम है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के यूनिवर्सिटीज से आके जुड़ के इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। और आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि डोंकी मिल्क का जो रेट हमने सेट किया था 2000 रुपये लीटर 2016-17 में, वो अभी भी बढ़कर आ रहे हैं। एंड जो मार्केट जीरो पे थी वो मार्केट इंडिया में अचानक से बूमिंग पे आ गई। राइट नाउ डोंकी मिल्क इज ट्रेंडिंग, लोग डोंकी फार्म्स ओपन कर रहे थे। हम अभी रिसेंटली लाल बहादुर शास्त्री AIS जो अकेडमी है वहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में IAS ऑफिसर्स को बता करके आए, 70 IAS ऑफिसर्स वहाँ पे थे, उनको हम लोगों ने बताया कि एक ये भी स्टार्टअप का एक वे हो सकता है, ये भी एक लाइवलीहुड का वे हो सकता है जो हमारे लिए अचीवमेंट है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से साथ जुड़े, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रांट्स भी लिए, उनके सपोर्ट से हम लोगों ने डिफरेंट इनिशिएटिव चलाया। सेव द डोंकी कैंपेन हम लोगों ने इंडिया में रन किया था जो 2019 में, उसको रीस्टार्ट किया। उस कैंपेन के अंदर थ्रू आर डिजिटल कैंपेन ओनली हम लोग अभी 20,000-30,000 लोगों को ऑनलाइन अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं कि डोंकी का पॉपुलेशन इंडिया में गिर रहा है। करंटली वी हैव 1,20,000 डोंकीज ओनली, अगर बचाया ना गया नेक्स्ट 5 ईयर में डोंकी जीरो हो जाएगा एंड हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
मैंने अपनी जर्नी में एक ही चीज़ सीखी है कि सही टाइम कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे अपना जॉब, चाहे अपने म्यूज़िक का करियर, हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ साल जॉब कर लेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, हम सोचते हैं थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, टीम बिल्ड कर लेंगे, रिसोर्सेज लेके आ जाएंगे, तब हम अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत 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 सजेस्ट करूँगी आपके अपने एक्सपीरियंस के साथ कि प्लीज़ फर्स्ट स्टेप लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, जो भी आपकी जर्नी से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे फंडिंग, चाहे प्रमोशन, टीम बिल्डिंग, सब कुछ आपके पास चल के आएगी, बट पहला स्टेप आप लीजिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू नो दैट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज्यादा इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारी ग्रांट्स है आप लोगों के लिए, मार्केट सपोर्ट है, फेयर, एग्जीबिशन, उन सबके बारे में पढ़े। डिजिटलाइजेशन का जमाना है एंड डेफिनेटली हम सबके पास फोन होते हैं, फोन में उस फोन को यूटिलाइज करें। फेसबुक, इंस्टा तो हम लोग सब चलाते हैं, बट शायद एक टर्निंग पॉइंट भी लेते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, साथ ही साथ और चीज जानते हैं इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। चलिए साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। शुक्रिया।